इतनी बकवास किस्म की बैटिंग कर रहा है राजस्थान रॉयल्स, कहीं से भी डिजर्विंग है ये टीम आगे जाने के लिए। आप क्या कैच ले लिया ये अनएक्सपेक्टेड कैच, विराट के थ्रो के सामने डबल रन लोगे। इतनी बद्दुआएं दी है ना सीएसके वालों ने आरसीबी को कि भाई आरसीबी आज हार, सीएसके वालों की दिल में ठंडक आ गई है। एलिमिनेटर राउंड टू का आरआर वर्सेस आरसीबी जिसका था सबको मतलब आरसीबी का आज है दिन वो वाला जिसका 3 हफ्तों से सबने वेट किया कि भाई आज है फाइनली कि आरसीबी का आज देखना है। सीएसके को तो हटा दिया, आज क्या आरसीबी दूसरी टीम राजस्थान को बाहर कर सकती है? अभी आरसीबी की पहले आ गई है बैटिंग, मसला सबसे बड़ा ये हो गया है। अच्छा, ये मसला हो सकता है आरसीबी, मसला हो सकता है। देखो टॉस आरआर जीता है, आरआर ने क्यों आरसीबी को पहले बैटिंग दी है? बेटा उनको पता था कि अगर हमने इनको चेज में, बेटा आरसीबी की आजकल बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है, भाभी निकाल लेता है। मैं चाहता हूँ कि आज भी अच्छी हो, लेकिन देखो आप सीधी सच्ची बात है, अगर आरसीबी आज अगर चेज में आता तो आरसीबी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। विराट कोहली क्रीज में मौजूद है, ठीक है, और उसके फेवरेट मौजूद है। विराट कोहली की तुमने खबरें सुनी क्या आ रही है? वो प्रैक्टिस सेशन में नहीं आ पाए था। मैंने बोला यार ऐसा ना हो कि मैच नहीं खेले, खैर मैच खेले। और आप क्राउड देख सकते हो कि पूरा आरसीबी का ही क्राउड लगा। क्या कैच ले लिया ये अनएक्सपेक्टेड कैच, वो भी कैच अनएक्सपेक्टेड कैच था ही नहीं। तुम गलत बात कर रही हो यार, वो बिल्कुल, ये तो वही आधी बात मुझे वही फैब डी प्लेसेस ने भी लिया था, याद है? ऐसा ज्यादा खतरनाक कैच इसी के साथ राजस्थान, वेस्ट इंडीज वाले ही कर सकते हैं ये कैच, इस तरह के वेस्ट इंडीज वाले राजस्थान को मिल गई अपनी पहली विकेट। राजस्थान को देखते हैं विराट कोहली कितनी देर तक रुकते हैं। और देखो ये अहमदाबाद का यही चक्कर है, ठीक है, कि भाई इसमें पिच स्लो होती है शुरू में, ये खड़े हुए चेक कर रहे विराट गया यार, क्या हो रहा है? विराट गया माफिया, ये क्या हुआ? नहीं होना चाहिए यार, एलिमिनेटर है ये। हाँ मैं भी थोड़ा सा हो गया था रिलैक्स, विराट संभाल लेगा यार, खुद भी विकेट की अहमियत पता है कि यार वो क्या है। तो यार यूजी चाहल जो बोल रहे थे कि भाई वर्ल्ड कप के बाद से इनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, आज ही आ रही थी, इम्पोर्टेंट विकेट उन्होंने अपने खाते में लिखवाई। देखो इतने रन भी आज बहुत कम है विराट के लिए यार, ये अहमदाबाद का यही चक्कर है, यही चक्कर है आज का। आज मैक्सवेल को खिला रहे हैं क्या मावी? मैक्सवेल को खिला रहे हैं भाई, भाई आज खिलाना चाहिए आज मैक्सवेल को। अभी यही अगर चुन्ना स्वामी ग्राउंड होता ना, ये 7 ओवर में ना जो 56 रन है, 7 ओवर में 90 रन होते हैं भाई आरसीबी के। यार विराट को कैसा, विराट यार अंदर भी नहीं जा रहा, पता था ना कि यार क्या हुआ। वो खुद उनको पता है इस विकेट की अहमियत भाई, वो देखो कमाल आरसीबी ग्रीन ने मारा है बहुत ही बड़ा। सीएसके के फैंस, मेरा आप लोगों को एक कहना है, जो ये सीएसके के फैंस चाह रहे हैं ना कि आरसीबी हार गया, मेरे भाई नहीं हारेगा। अच्छा सीएसके के फैंस ये चाह रहे हैं? तो यार मैं भी खुद सीएसके वाली हूँ यार, फिर मैं भी ये चाहूंगी। तुम ये क्या, मुंबई इंडियंस तो कब की बाहर हो गई? तुमको नहीं ना, वो बिलू 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 आधा बिलू से मुंबई इंडियंस को सपोर्ट कर रही हो क्या? अच्छा अभी ग्रीन गए ना तो मुझे ऐसा लगा कि मैक्सवेल संभाल लेगा, अभी हम लोग यही बात कर रहे थे। काटने में लगी हुई हो यहाँ पे, संजू सैमसन ने आरसीबी की बैटिंग को काट दिया यार। यार ये पहली बॉल पे मैक्सवेल भाई, मैक्सवेल भाई क्या ऑस्ट्रेलियन जर्सी में खेलने का दिमाग बनाया हुआ है क्या? कोई और जर्सी में खेलना ही नहीं है क्या? पहली बॉल पे फील्डर सामने खड़ा हुआ वही शॉट मार रहा है। एफ डू प्लीजी इतना वो हुए में यार, परेशान हुए में, कभी बेचारे इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, बोलने में करूं तो करूं क्या? विराट, अब वो विराट के पास आके बैठ गए बोलने, भाई आप बताओ क्या करना है यार। ये मेरा वॉलेट है, ठीक है, ये मेरा वॉलेट में, अच्छा इसमें जितने भी है ये मेरे हो जाएंगे अगर आज आरसीबी, ये पूरा वॉलेट समेत तुम्हारे, तुम्हें सारे दे दो ना आज आरसीबी। चलो आज आरसीबी अगर जीतेगा ना मैं तुम्हें वापस कर दूंगी, और ना मेरा इज्जत पति दर को मिला दूसरा चांस। तबियत अगर सही हो सकती है वो सिर्फ आरसीबी के छक्के देख के सही हो जाती है। रजत पाटीदार मुकाबला कर रहा है राजस्थान की बॉलिंग का मेरे भाई। ओ यार नहीं, यही होता है यार जो अच्छा खेल रहा है आरसीबी। क्या हो रहा है यार पाटीदार भाई, क्या जरूरत थी, कर्व मार के शॉट मार रहे हो यार। कर्व लग गया, हाँ वो अपने बल्ले को भी देखने लग गया, वरना वो स्ट्रेट मारता है यार वो। देखो अब आ रहे हैं दिनेश कार्तिक, क्या दिनेश कार्तिक का आखिरी मैच है ये आरसीबी के साथ, क्योंकि अगर आरसीबी आज अगर हारती है तो फिर चांस नहीं मिल रहा। द हेल डीके कैसे जा सकता है फर्स्ट बॉल पे? मैंने बोला छह ओवर तो गए ना, की शक्ल बता रही है कि ये आउट है, रिव्यू लेने का कोई फायदा नहीं है। डीके को दो ओवर दोगे तो अच्छा खेलता है, 6-7 ओवर दोगे वो अच्छा नहीं खेलता। इतनी बद्दुआएं दी है ना सीएसके वालों ने आरसीबी को कि भाई आरसीबी आज हार ही रहा है ऐसा लग रहा है। भाई डीके इज अलाइव, डीके इज स्टिल अलाइव, कुछ उम्मीद अभी भी, लेकिन हलक में आ गए थे। यश अमिल जायसवाल ने कैच पकड़ लिया डीके का, शुक्र है डीके जल्दी आउट हो गया, कंट्रोवर्सी नहीं होगी आरसीबी की जीतने में कि भाई डीके का वो जो एलबीडब्ल्यू था वो आउट था। खैर भाई डीके 11 रन बना के आउट हो गया है, लोमरूर है
लोमरूर का मैं बताऊं इतना इसको हैरी रेड क्यों कर रहा हूं? एटलीस्ट 175-180 पे आरसीबी फिनिश करे अहमदाबाद के लिए। क्या शॉट खेला है मावी? पता नहीं था क्या शॉट है यार। अभी भी नहीं मारता, अभी भी नहीं मारता क्या भाई? हेड स्ट्रोक और इतनी गर्मी में खेल, सब पूरी क्राउड ये कर रहा है पंखे से। बहुत बड़ी बात है इतनी गर्मी में खेलना। बोला था मैंने लास्ट ओवर है और तूने आउट करवा दिया उसको। 173 का विन दिया है आरसीबी ने राजस्थान रॉयल्स को। राजस्थान वाले लीग मैचेस ये लोग हार के आए हुए भी। मैंने तुम्हें बोला था ये कम बैक तो करेगी राजस्थान, और यही आज का दिन था कम बैक भी इनको करना था इस ग्राउंड के अंदर अहमदाबाद। देखो ये जयसवाल भी आ गए अपनी फॉर्म में यार, बार बार चांस थोड़ी मिलेगा। मतलब यार मैक्सवेल तुम क्यों, क्या हो रहा है मैक्सवेल? आज तो मुझे गुस्सा आ गया इस मसले नहीं पे यार। चलना तो भाई चले जा ऑस्ट्रेलिया, अभी से चले जा वर्ल्ड कप खेलने के लिए। अभी से ऑस्ट्रेलियन जर्सी पहन लो यार, उसको दे दो ऑस्ट्रेलियन जर्सी भाई। इतनी अच्छी फैफ ने प्लानिंग करी, सेट करी, जब कैच आया तो कैच ड्रॉप कर दिया। कम ऑन लॉकी फर्ग्यूसन स्ट्राइक यार, बॉल्ड कर दिया और मेन बंदे को आउट किया ये कोलर को। जॉर्ज बटलर की जगह खिला रहे उसको मेरे भाई। बहुत ही अच्छा यॉर्कर और जड़ के अंदर बॉल मारी है और फैफ की फाइनली प्लानिंग कामयाब हुई है। देश कार्तिक का एक्सपीरियंस काम आया है भाई, थैंक गॉड भाई, थोड़ा सा विकेट आई। डीके कॉन्फिडेंस था कि भाई ये आउट है और बैट से तो बॉलिंग लगी लेकिन जयसवाल के ग्लव से बॉल लगी है और पहली दफा ऐसा हो रहा है कि मैं जयसवाल की विकेट पे खुश हो रहा हूँ। पटना जयसवाल बहुत अच्छा खेलता है। स्टेडियम बहुत बड़ा विकेट संजू सैमसन का, और किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि संजू सैमसन चले। अच्छा वाइड बॉल है, आपको पता है ये बॉल वाइड है, इस पर रन मिला राजस्थान को लेकिन वो आगे बढ़ के खेलने के चक्कर में स्टंप हो गए संजू से इस तरह से। और ये अगर कार्तिक मिस कर देता ना बहुत बड़ी मसला हो जाता भाई। विराट की थ्रो के सामने डबल रन लोगे, विराट की थ्रो के सामने लोगे डबल रन भाई। अभी आउट है, आप देखो रिप्ले खाली। पर क्रिटिकल यार ये आउट हो जाता है ना तो आरसीबी के हाथ में आ जाएगा मैच। डिसीजन है या बल्ला लगा है क्रीज पे या पहले हाथ लगा है? बॉल लगी हुई है हाथ पे, ये आउट है बॉल लगी हुई है हाथ। आउट ब्रादर भाई, ये एक दफा शशंक के साथ किया था पंजाब वाले मैच में, एक दफा शशंक के साथ किया था वो डायरेक्ट हिट था और यहाँ भी ये कर दिया है सीन। विराट ऑफ चार्ज, एक सोचो बाउंड्री पे खड़ा हुआ प्लेयर मैच पलट देता है पूरा वहां से। ये सिराज ने आउट किया है भी। आप मुझे चलो मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, हम तो बैठ गए थे सो गए थे। इतनी बकवास किस्म की बैटिंग कर रहा है राजस्थान रॉयल्स, कहीं से भी डिजर्विंग है ये टीम आगे जाने के लिए? आप मुझे बताओ ये राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग पे लानत है राजस्थान रॉयल्स पे। इस तरह से खेल के अगर जीत भी गए ना कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। जीत भी अरे घंटे की जीत है, कल श्रेया सैय्यर ने देखा किस तरह से 40 गेंद से क्या कैच पकड़ा है। रॉयल्स ने आरसीबी को एलिमिनेटर राउंड से शिकस्त दे दी और आरसीबी का सफर यहीं पे खत्म हो गया आईपीएल का। अब होगा राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स का मैच जिसमें पैट कमिंस कुत्तों की तरह पेलेगा राजस्थान रॉयल्स को, क्योंकि आज दिख गया है आखिरी ओवर में मैच फिनिश कर रहे हो। आखिरी ओवर शुरू हो गया था मेरे भाई, वो तो दो चौके आ गए तो ये सीन हो गया। सीएसके वालों की दिल में ठंडक आ गई है कि वो हो गया, लेकिन भाई देखो आरसीबी अगर खुद बाहर हुई तो सीएसके भी बाहर हुई। वो मिसाल है ना कि हम तो डूबे डूबे समझ तुमको भी लेके डूबेंगे, तो सीएसके तो डूबाया और आरसीबी खुद भी डूबी। बकवास टीम पूरे आईपीएल से अगर मुझे कोई बोलेगा ना किस टीम को तुम्हें बंद करना है, एक ये टीम को बंद करूंगा मैं और एक पंजाब को तो नहीं बोला। संजू सैमसन पे कोई बात नहीं है, ये टीम है बकवास है, डिजर्व नहीं करती कि आगे जाना। जीत तो जीत है, चलो आरसीबी वाले तब रहे थोड़े से छोड़ दो, डिजर्विंग टीम है ना। मेरी दुआ है आईपीएल भी जीते, सनराइजर्स को तो हराए पहले अभी एलिमिनेटर राउंड में, फिर पता लगेगा।